हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी। लौट आए अपने नए एपिसोड के साथ और आज हम लोग जाने वाले हैं पहली बार बाइक की चेन ल्यूबिंग के बाद टेस्ट ड्राइव पे। तो चेन ल्यूबिंग के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहता है बाइक चलाने का, क्या उसके परफॉर्मेंस में अंतर आता है और क्या चीजें आपको अलग महसूस होगी, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग ट्यून इन रहो और देखते रहो मैजिशियन एडी के चैनल को। लौट आए हो अपने नए एपिसोड के साथ और आज हम लोग बात करने वाले हैं चेन ल्यूबिंग जो हमने लास्ट एपिसोड में की थी उसके बारे में। तो चेन ल्यूबिंग करने के बाद अभी फ़िलहाल मैं निकला हूँ राइड पे। अभी मैंने ल्यूब की है 7010 किलोमीटर पे, जैसा कि आप रीडिंग देख पा रहे हो 7010 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक, तब मैंने ल्यूब किया है। तो अब मुझे 7500 तक अगर ये वेदर कंडीशन रही तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वेदर कंडीशन ये नहीं रही, बारिश हुई, कीचड़ में चलाना पड़ा, तो 250 किलोमीटर इज़ द मैक्स रेंज। फिर उसके बाद आपको फिर से चेन ल्यूब करनी पड़ेगी। यस यू हर्ड इट राइट, 250 किलोमीटर अगर आपके वहाँ बारिश और कीचड़ वाला माहौल है, और बहुत ज़्यादा है तो फिर अलग बात है। तो यार अभी इस वेदर कंडीशन के हिसाब से तो मुझे 500 किलोमीटर तक चेन ल्यूब नहीं करना पड़ेगी। तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप जानना चाहते हो कि यार परफॉर्मेंस में क्या अंतर आया है, तो यह है कि अभी तक चेन बहुत गंदी पड़ी थी तो बाइक बहुत एक अलग ही स्टिफनेस फील होती है, एक अलग ही रुकावट फील होती है बाइक में, बट जो अभी नहीं हो रही है। अभी ऐसा है कि बाइक बहुत फ्रीली चल रही है और पिकअप भी बहुत तेज़ ले रही है, काफ़ी स्पीड में पिकअप ले रही है, क्योंकि चेन अच्छे से रिवॉल्व करेगी तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं पिकअप में, कहीं ना कहीं एवरेज में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर चेन अच्छे से ल्यूब नहीं है तो आपका बाइक जितना परफॉर्मेंस दे सकती है, जितनी कैपेबल है, उतनी नहीं देगी, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है चेन में और बाइक में भी। चेन स्प्रॉकेट जाने के चांसेस रहते हैं अगर आप बाइक की चेन क्लीन ना करो तो। तो यार ज़रूरी नहीं है आप चेन ल्यूब खरीदो। चेन ल्यूब खरीदने के भी कुछ फ़ायदे हैं वो बता देता हूँ। चेन ल्यूब खरीदने से ये रहता है कि लुब्रिकेशन के लिए तो चेन ल्यूब ले लो, बाकी क्लीनिंग के लिए चेन क्लीनर और डीजल की हम बात करने वाले हैं। तो डीजल और चेन क्लीनर में कुछ खास अंतर नहीं है यार, बस मेन अंतर यह है कि जो उसका फॉर्मूला है दोनों का बहुत अलग है, बट डीजल चेन बहुत अच्छे से क्लीन करता है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जितने चेन क्लीनर्स आते हैं उसमें सबसे अच्छा, जितने मैंने यूज़ किए हैं मॉडल वगैरह और कुछ के, उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है डीजल से। यस, डीजल 20 रुपीज़ का डीजल मोर देन इनफ होता है। जैसा मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, आप उस तरीके से वॉश करोगे तो डेफिनेटली आपको क्लीनिंग अच्छी मिलेगी, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी बाइक की चेन में। और एक चीज़ बता देता हूँ कि यार डीजल के कुछ ड्रॉबैक, पहली चीज़ डीजल गंदा बहुत कर देता है, दूसरी चीज़ डीजल को आपको हाथ से पूरी चेन को क्लीन करना पड़ेगा, हाथ गंदे हो जाएंगे, आपको वॉश करना पड़ेगा। जिस जगह डीजल से आप वॉश कर रहे हो वहाँ गिरेगा जो डीजल, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा जो वॉशिंग पे हट जाएगा, जैसे अपन हाथ धोते तो अपने हाथ के स्पॉट हट जाते हैं, वैसे वो भी हट जाएंगे, बट थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाएगी। बाकी डीजल में यह है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू चेन क्लीनर। चेन क्लीनर में आप चेन क्लीनर लगा के छोड़ दो 2-3 मिनट, उसके बाद आप उसको क्लीन करोगे तो एक बार में चेन क्लीन हो जाएगी। बट अगर हम बात करें पैसों की, तो एज़ कम्पेयर्ड चेन क्लीनर्स बहुत महंगे महंगे आते हैं जैसा कि आपने देखा होगा, बट डीज़ल बहुत सस्ता आता है। 20 रुपीज़ का डीज़ल एक बार की वॉशिंग में काम आता है। लाइक अगर हम 500 रुपीज़ का चेन क्लीनर खरीद रहे हैं तो वो हार्डली 5-6 बार चलता है जितना मैंने देखा है, 250 to 300 रुपीज़ वाला, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार चलता है। बट अगर हम यहीं डीजल की बात करें तो 20 रुपीज़ के डीजल में काम हो रहा है, विच इज़ 30 रुपीज़ लेस देन ईच टाइम ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लीनिंग। तो जहाँ 50 रुपये एक क्लीनिंग का पड़ता है हमें चेन क्लीनर से, वहीं डीजल से 20 रुपीज़ पड़ता है, तो 30 रुपीज़ हम ऑलरेडी फ़ायदे में रहते हैं। तो मेहनत करने से डेफिनेटली चेन अच्छी क्लीन होगी। बाकी ये आपके ऊपर है, आपको डीजल से क्लीन करना है कि चेन क्लीनर से, सुविधा के अनुसार आप कर सकते हो। बस मेन टॉपिक ये है कि चेन अच्छे से साफ़ होनी चाहिए ताकि आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइज अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही बाहर निकला हुआ था, एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, उससे थोड़ा सा काम है। मेरा क्योंकि जो आपको पता है मैजिक शोज वगैरह करते रहता हूँ, तो उससे रिगार्डिंग डिस्कशन करना है, तो इसलिए
करना था मुझे। अभी दो मेरे इवेंट चालू नहीं हुए हैं, बट कुछ दिन में वो भी चालू हो जाएंगे, लाइक कुछ महीनों में मे बी। बट उसके पहले से प्री प्लानिंग कुछ करनी पड़ती है, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो आज देखते हैं क्या माहौल होता है। बाकी मेन टिप्स एंड ट्रिक्स तो यही थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है चेन लूपिंग के बारे में। अभी का जो रिस्पांस देख रहा हूँ मैं चेन का, वो काफ़ी अच्छा है। मतलब अलग ही स्मूथनेस फील हो रही है। ऐसा नहीं है डीजल से करने के बाद ही मिलेगी यार कोई। मैं किसी का प्रमोशन या किसी को डी फेम करने के लिए नहीं बनाया वीडियो, मैंने आपकी और मेरी सहूलियत के लिए बनाया है। तो आप जब चेन क्लीन कर लेते हो तो बाइक बहुत अच्छे से चलती है यार, और जो बाइक का जो फील है ना वो बहुत अच्छा आता है। कहीं ना कहीं अगर आप बाइक लवर हो तो आप वो चीज़ समझ सकते हो। बाइक चलाने में जो फील आता है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। और आप समझ सकते हो बाइक अगर कुछ काम मांगती है तो भी।